हेलो गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे। तो व्हाट्सएप के नए अपडेट में आपको क्या कुछ खास मिल जाता है और ये आपके लिए कितना यूजफुल होता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। व्हाट्सएप के अपडेट में हम देखने को मिल जाएगा एक ही अकाउंट को आप चार डिवाइस में कनेक्ट कर। तो दोस्तों यहाँ पे एक मल्टी डिवाइस सपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक ही अकाउंट को चार अलग अलग डिवाइसेस से चला सकते हैं, यानी कि एंड्रॉयड, iOS ऐसे से करके आप अपना एक ही अकाउंट को चार जगह पे लॉग इन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे सेम वाईफाई नेटवर्क चाहिए जहाँ से आपको कनेक्शन मिलना चाहिए, यानी कि चारों अगर आपको चार जगह पे चलाना है या एक जगह, या अगर आपको दो जगह पे चलाना है तो दोनों फ़ोन में सेम वाईफाई का कनेक्शन आपको कैच करना पड़ेगा, यानी कि सेम वाईफाई से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको एक ही अकाउंट को दो फ़ोन में चलाना है। जैसा कि हम पहले भी देखते आए थे व्हाट्सएप वेब जैसे चलता था, आप अपने पीसी या लैपटॉप में वॉट हेल्प से आप अपने अकाउंट को वहाँ पे लॉगिन कर सकते थे, वैसे ही कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ आपके जहाँ पे चार डिवाइसेस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप चार जगह पे एक ही बार पे लॉगिन कर पाएंगे। नया फीचर जो आ रहा है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी किसी के पास दो फ़ोन होते हैं और किसी एक की बैटरी डाउन हो जाती है, जिसमें कि व्हाट्सएप वो चला रहे होते हैं तो कई इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो वो नहीं देख पाते अगर फ़ोन इनके स्विच ऑफ हो जाता है। तो स्विच ऑफ होने के बाद आप उसी दूसरे फ़ोन में चला सकते हो सेम अकाउंट को खोल के, जहाँ पर आपका चैट सिमिलर ही दिखाएगा जैसे कि उसमें दिखाता था। तो एक बहुत अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल जाता है व्हाट्सएप की तरफ से। और दूसरी बात करें अपडेट की, तो गाइस यहाँ पे दूसरा बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा सर्च बाय डेट का, यानी कि अगर आप बहुत सारे मैसेजेस आप करते हैं किसी को और आपको एक पर्टिकुलर मैसेज देखना है या फिर आपको किसी का कोई मैसेज पढ़ना है जो पुराना कहीं हो, तो बस आपको वो डेट याद होना चाहिए जिस दिन आपने वो मैसेज किया, आप वो मैसेजेस को डेट वाइज आप देख पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें ज़रूरी है जो आपको नहीं मिल रहे थे वो आप देख सकते हैं। अब गाइस जो तीसरा अपडेट हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे स्टोरेज का कुछ अपडेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे अगर वो फाइल बहुत ज़्यादा लार्ज होगी यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो वो एक सेपरेट लार्ज फाइल में जाके सेव हो जाएगी। आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट और या फिर सॉर्ट बाय डेट के। सॉर्टिंग करके आप अपना फाइल्स को वहाँ पे अपने फ़ोन में खोल सकते हैं या खोज सकते हैं। हम बात करें अगले अपडेट की, तो यहाँ पे एक नया अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप किसी से कोई चैट करते हैं और आप अगर अपने चैट को इम्पॉर्टेंट मैसेज में यानी कि स्टार करके छोड़ देते हैं, आपको डिलीट करना अगर वो बेकार का स्टोर आपको हो रहा है, तो अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस चैट में स्टार मैसेज किसी को किया होगा, अगर वहाँ पे कोई स्टार मैसेजेस होंगे तो वो डिलीट नहीं होंगे, वो सेव्ड ही रहेंगे आपके जब तक आप उसको अनस्टार्ट नहीं कर देते। यानी कि व्हाट्सएप इस बेसिस पे काम करेगा कि आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिलीट नहीं हो गलती से भी, या अगर किसी ने जानबूझ के आपके चैट को डिलीट करना चाहा तो वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिलीट ना हो, वो स्टार्ट बन के रह जाएं, यानी कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज बन के रह जाएं, जो एक बहुत अच्छा अपडेट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। गाइज ऐसे कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे कुछ नए अपडेट्स के बारे और भी जानना होगा या और भी कोई टेक न्यूज़ के बारे आपको जानना होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, शेयर करिए इसको। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।